अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल के ऊपर ही देख लिया होगा कि भारतीय रेलवे ने अब एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जिस फैसले का असर गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर हम बता दें कि भारतीय रेलवे ने अब एक फैसला किया है जिसके अंदर जो एक्सप्रेस ट्रेनें या जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं जिनकी स्पीड लगभग 130 किलोमीटर तक होती है, उन ट्रेनों में से अब जनरल और स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जनरल और स्लीपर कोच जो कि गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत ही सुगम और एक अच्छा साधन होता है अपनी लंबी दूरी को तय करने के लिए कम रुपयों के अंदर, तो दोस्तों ये अब डब्बे जो जनरल कोच और स्लीपर कोच है ये अब इन ट्रेनों में से हटा दी जाएंगे, जिन ट्रेनों की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ट्रेनें चलती हैं तो इन ट्रेनों के अंदर से जनरल कोच को हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पर पूरी ट्रेन में एसी कोच ही लगाई देंगे। दोस्तों जनरल और स्लीपर कोच के अंदर गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास के लोग ही सफ़र करते हैं क्योंकि वो महंगी टिकट लेने के लिए उनके पास इतने पैसा नहीं होता। लेकिन अब जो है जब इस तरह के डब्बे जो जनरल और स्लीपर कोच जब यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो अब वो क्या करेंगे, उनके लिए अब इतना पैसा नहीं होगा कि वो एसी ट्रेनों में सफ़र कर पाएँ या सुपरफास्ट ट्रेनों में सफ़र कर पाएँ, तो अब जो है वो जनता स्पेशल जनता ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनकी स्पीड 80 से 90 के आसपास होती हैं, तो उन ट्रेनों के अंदर ही वो अब सफ़र कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पहले सुपरफास्ट ट्रेनों के अंदर जनरल डब्बे भी होते थे और स्लीपर कोच भी होते थे, तो लोग जो हैं जो गरीब लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो कम पैसे के अंदर अपने लंबी दूरी को तय कर लेते थे, जो एक दो दिन के अंदर ही अपने दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, तो वही अब उनको 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है क्योंकि अब जो स्लो स्पीड ट्रेनें होंगी, जो 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड वाली जो ट्रेनें होंगी, जो जनता ट्रेनें होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो रुक रुक कर चलती हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो ऐसी ही ट्रेनों में अब आप सफ़र कर पाएंगे। अगर आपको इन सुपरफास्ट ट्रेनों के अंदर सफ़र करना पड़े जैसा कि 130 किलोमीटर की प्रति घंटे वाली स्पीड के अंदर सिर्फ आप एसी कोच होंगे तो ऐसी ट्रेनों के लिए अब आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर से जिस तरह पहले जो एसी और जनरल कोच होते थे वो तो एसी कोच तो सॉरी लगे रहेंगे लेकिन जनरल कोच और स्लीपर कोच जो है अब हटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ी खबर है और गरीब लोग और जो लोअर मिडिल क्लास है उनके ऊपर इसकी मार जरूर देखने को आएगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात ये भी बता दें, दोस्तों रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन जो 130 स्पीड की जो ट्रेनें थी जिसमें से कोच हटा दिए गए हैं स्लीपर और जनरल, तो इन ट्रेनों की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया है और अब आगे जो जनता ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि जो लोअर या गरीब लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग जो पहले इन ट्रेनों में सफ़र करते थे उनको आगे भी सहूलियत मिलती रहे और उनको आगे भी ट्रेनें लगातार मिलती रहे और वो सफ़र करते रहें इसी तरह से। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपको देना बहुत ज़रूरी था, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं।